वेलकम बैक। देखिए, थ्री डी ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसके पहले लाइन एंड प्लेन एंड एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है जिसमें लाइन और प्लेन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। सिंपल और इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि थ्री डी ज्योमेट्री हम लोगों का फेवरेट और इजी जोन कहलाता है, तो इसके क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। तो अगर आपने पहले का लेक्चर देखा होगा तो ये काफी इजीली बनेगा। आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड करना है, मतलब एक आपको निकालना है प्लेन, सपोज करो ये मेरा प्लेन है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट से पास करता है 0, 7, -7। तो ये प्लेन किससे पास कर रहा है, 0, 7 और -7 से। ठीक है, और क्या सिचुएशन है, और सिचुएशन है एंड कॉन्टेनिंग द लाइन, और ये जो है ना प्लेन एक लाइन को कॉन्टेन करता है, ये इस लाइन को, तो मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, जिसको ये कॉन्टेन कर रहा है, तो लाइन भी जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये किससे पास करता है, -1, 3 और -2 से। तो ये जो है पास करता है -1, 3 और -2 से। ठीक है जी, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, वो है -3, 2, 1। तो इस डायरेक्शन रेशियो क्या है, -3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन रहेगा। हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग प्लेन का, जो कि हमको इक्वेशन निकालना है और एक पॉइंट से पास करता है, तो प्लेन थ्रू वन पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द गिवेन पॉइंट 0, 7, -7 इज, ये क्या होगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स माइनस जीरो प्लस बी 0 - y -7। ठीक है, b क्या हो जाएगा y -7 एंड प्लस सी z+7=0। ठीक है जी, तो थ्रू द पॉइंट 0, 7, -1 कुछ करना नहीं है, x में 0 हो जाएगा माइनस, y में -7 और z में +7। ठीक है, चूंकि माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यही मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसी को मेरे को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है a, b और c का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो इस एबीसी के लिए हमको जो अनदर इन्फॉर्मेशन है उसका हम यूज करेंगे। जैसे देखो, प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, किससे, सॉरी, जो लाइन है वो पास कर रहा है -1, 3, -2 से, और प्लेन जो है लाइन को कॉन्टेन करता है। बात समझिएगा, लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और प्लेन जो है इस लाइन को कॉन्टेन करता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि प्लेन भी इस पॉइंट से पास करेगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि प्लेन पर ही ये लाइन है। ओके, तो ये पूरा प्लेन है ना, ये पूरा जो आप देख रहे हो शीट, मैं इस पूरे शीट की बात करूं तो ये मेरा पूरा प्लेन है। ठीक है, ये मेरा पूरा प्लेन है। ओके, तो ये जो पूरा प्लेन है, तो जिस तरीके से ये प्लेन आपका, दिखा देता हूं मैं, ठीक है, जिस तरीके से ये प्लेन मेरा इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, ठीक है, उसी तरीके से ये इस पॉइंट से भी पास करेगा, क्योंकि ये भी प्लेन पर ही है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखने वाला हूँ क्या, कि यहाँ पे इक्वेशन वन कर सकते हैं आप इसको, चूंकि इसी से हम काम करेंगे। तो इट पास थ्रू ये किससे पास करता है, पास थ्रू -1, 3, -2। ठीक है, जिससे कि लाइन पास कर रहा है, ये सेटिस्फाई करेगा। तो वन इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, तो वन इम्प्लाइज आ जाएगा आपका एक्स के प्लेस पे -1 डाल दीजिए, वाई के प्लेस पे 3 और जेड के प्लेस पे -2, तो आपका आ जाएगा -a प्लस, यहाँ 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4b हो जाएगा, और यहाँ जेड के प्लस पे -2 डालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5c=0। ठीक है जी, तो ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, एक रिलेशन मिल गया ए बी सी में, राइट। अब देखो, हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या है, वो डायरेक्शन रेशियो होता है ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन। अच्छा, अब समझिए, जो प्लेन पे नॉर्मल होगा, जो भी नॉर्मल प्लेन पे है, ठीक है, ओके, क्योंकि लाइन प्लेन पे है तो वो लाइन पे भी नॉर्मल होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो ए बी सी है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, ठीक है, उसका रिलेशन लाइन के साथ में क्या होगा, कि वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नॉर्मल, एनी नॉर्मल टू प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, जैसा कि हम लोग दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल है, नाम से ही क्लियर है कि वो नॉर्मल है प्लेन पे, तो अगर प्लेन पे नॉर्मल है यानी कि वो लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सिंस एनी नॉर्मल टू प्लेन इज परपेंडिकुलर टू
गिवन लाइन, ठीक है, जो भी लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब क्या होगा, अगर दो चीजें आपकी परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो मल्टीपल होता है उसका सम होता है, उसका जीरो होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, वो है ए बी सी, और लाइन का क्या है, लाइन का है -3:1। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम होगा वो जीरो होगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, -3a, यानी a को मल्टीप्लाई कीजिएगा -3 से, b को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, और c को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, तो आपका आ जाएगा -3a + 2b + c = 0, ठीक है जी। तो हमको देखो दो इक्वेशन मिल गया है ABC में, तो अब हम यहाँ से ABC को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइंड आउट कर लीजिए ABC को, तो क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं 2 और 3 को, ठीक है। तो सोल्व करने का तरीका ये होता है कि सिंपली आप यहीं पे सोल्व कर सकते हो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सोल्विंग 2 और 3। कैसे करेंगे, तो देखो पहले ले लेंगे ए, तो जैसे ए लेंगे तो ये आपका छिप जाएगा, तो -4 और इंटू -1, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे +2 × 5 - 10 आपका आ गया। फिर बी बाई बी लोगे तो क्या होगा, है माइनस लेते हैं, माइनस बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 × 1 - 1, ठीक है, और -3 × +5 × -15, तो यहाँ पे +15 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम लोग सी लेंगे इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सी का जो कॉलम है उसको छिपा लीजिए, तो -2, और यहाँ पे आमक हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज -2 और -12, राइट, ये आ गया। तो हम लोगों का यहाँ से ABC आसानी से निकल जाएगा, क्या आ जा रहा है, ए आपका आ जा रहा है -14, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो बी हमारा हो जा रहा है +14, और सी हमारा हो जा रहा है -14, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको चाहो तो 14 को हटा सकते हैं, चूंकि सारा रेशियो में है, तो अच्छा यहाँ पे देखो +14 बनेगा ना, तो -14 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस बी है, नीचे माइनस +14 आएगा, तो ए से, ठीक है। चलो, तो ए बाई 1, बी बाई 1, सी बाई 1, ऐसा। इसको अगर हम लोग के कह दें, तो यानी कि ए भी मेरा के है, बी भी मेरा के है, और सी भी मेरा के है, तीनों इक्वल है, तो सिंपली ए बी सी तीनों को हमको के डाल देना है। तो जैसे ही मैं डालता हूँ, तो इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, आपका जो प्लेन है वो आ जाएगा, प्लेन इज, यही मेरा प्लेन था, तो ए बी सी तीनों पे को के डाल दीजिए, तो के इंटू एक्स प्लस के इंटू वाई माइनस 7 प्लस के इंटू जेड प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब के को कॉमन लेके हटा सकते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे वाई बचेगा, और प्लस यहाँ पर आपका जेड बचेगा, ठीक है, और 7 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रहा है। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए आपका सी मैच कर रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना होता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये भी इसी तरह का एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। 45 आपने कर लिया होगा, देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, आपको करना है यहाँ पे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राइट ऑफ द लाइन, इस लाइन का निकालना है, एंड द प्लेन, दो एक लाइन है एक प्लेन है, इनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो काफी सिंपल है, मतलब सिचुएशन देखो ऐसा है ना कि मान लो ये आपको एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, ये मेरा मान लो प्लेन है, और इसको कोई लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज करो कि ये मेरा लाइन है, ठीक है, जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे ये पूरा प्लेन है जी, ठीक है। तो इसको जितना अच्छे से आप एनालिसिस करोगे ना, तो उतना आपके लिए इजी हो जाता है काम करना, ठीक है। तो ये मेरा प्लेन है, और इसको ये लाइन इंटरसेक्ट करके निकल जा रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है, चूंकि आपको लाइन दिया हुआ है, तो लाइन से आर्बिट्ररी पॉइंट निकालना काफ़ी ईजी होता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट क्या, x - 1/2 = y - 2/3 - 3 = z + 3/4, ये आपका लाइन है, इसको k ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द लाइन इज, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो आपका निकल जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2k + 1, ठीक है। इसी तरीके से हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -3k + 3, और z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा हमारा 4k - 3, ठीक है। तो ये आपको एक कह सकते हो कि आर्बिट्ररी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया है। अब आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, जैसे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ठीक है। तो ये कहीं भी हो सकता है लाइन पे, तो ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। बट ये पॉइंट हमको कन्फर्म करना है कि ये पॉइंट मेरा यही पॉइंट हो जाए,
ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो कब होगा? तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो यानी ये प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, प्लेन पे आ जाएगा, और अगर ये प्लेन पे आ जाएगा तो जस्ट ये क्या करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। कब होगा? जब ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए, तो ये एक्स वाई जेड का वैल्यू को आप उठा के इस प्लेन पे डाल दीजिए, ये जो प्लेन है ना इस पे डाल दीजिए, ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो डाल देते हैं, ठीक है, तो टू है एक्स के प्लस पे डालेंगे क्या, टू के प्लस वन, ठीक है, प्लस फोर, वाई के प्लस पे डालेंगे माइनस थ्री के प्लस थ्री, और जेड के प्लस पे डालेंगे माइनस फोर के प्लस थ्री, ठीक है, और प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हो गया होगा। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है और आपका काम हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे आपका बन जा रहा है 4k, यहाँ से बन जा रहा है माइनस 12k, सो 4k माइनस 12k, और यहाँ से भी माइनस 4k, ठीक है। तो k को अलग कर लेते हैं, फिर कॉन्स्टेंट आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 4 3 जहाँ 12 बन रहा है, और यहाँ पे आपका 4 इक्वल टू 0, ठीक है जी, 4k 4k कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 12k, और यहाँ पे हम लोगों का आ जा रहा है 20 प्लस 20 इक्वल टू जीरो, तो k का जो वैल्यू है वो आ जा रहा है 20 बाई 12, थोड़ा शॉर्ट करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बाई 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब इस k का वैल्यू को फाइनली जो है यहाँ पे लाके डाल दीजिए, क्योंकि यही आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट था, अब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन को तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है POI वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 2k प्लस 1, तो आपका हो जाएगा k के प्लस पर डालिएगा 5 बाई 3, तो हो जाएगा आपका 10 बाई 3 प्लस 1 कॉमा, यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 5 प्लस 3, राइट, क्योंकि यहाँ पर डालोगे तो वही आ जाएगा आपका 3 3 कैंसिल होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 बाई 3 माइनस 3, राइट। अब देखिए क्या आ जा रहा है, वैल्यू हम लोग देखेंगे तो आ जा रहा है, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 13 बाई 3, ये माइनस 2, और ये हमारा हो जा रहा है, देख लो क्या आ जा रहा है, आ जा रहा है आपका 13 बाई 3 पहला वाला, ठीक है, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 आ जा रहा है, और यहाँ पे 3 3 या 9 आपका 11 बाई 3 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हम लोगों को मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार पहले चेक कर लो कि क्या कहीं कैलकुलेशन तो कुछ मिस नहीं हुआ, पहले देख लेते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन था नहीं। अच्छा देखो, ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2 होना चाहिए जैसा कि दिख रहा है ना, वाई माइनस 2 लिखने में हम लोग गलती किए, वाई माइनस 2 वाई माइनस 3 है, ठीक है जी, जेड प्लस 3 बाई 4 है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 3k प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ होगा, ठीक है, 3k प्लस 2, अब इसकी वजह से देखते हैं कितना चेंज होता है, बाकी चीज़ तो सही है, चलिए 4 का माइनस 3। अच्छा, अब इसको यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे भी आपका करेक्शन होगा, 3k प्लस 2 आ जाएगा, तो 3k प्लस 2, राइट। अच्छा, फिर आप देख सकते हो इधर तो सब सही रहेगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 और 4 2 जा 8, ये 8 हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 8, दिस इज 8, ओके, तो 8 टू 10 14, अब हमारा 14 ही बन रहा है वैल्यू इधर का, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14, ओके, तो ये देखो 14 हो गया, तो यहाँ से फिर से चेंज करेंगे, यहाँ पे भी चेंज होगा, ये भी पूरा चेंज होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वैल्यू क्या आता है, चलिए तो थोड़ा सा ध्यान देना है, केयर रखना है, वरना इस तरह का मिस्टेक हो जाता है। तो 14 बाई 12, ठीक है, अभी हम इसको कट से कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 बाई 6, अगर हम लोग इसको 2 से कट कर देते हैं तो, ठीक है, 7 बाई 6, ओके। चलिए अब देख लेते हैं, अब बाकी चीज़ें तो सही लग रही हैं हम लोगों को, ठीक है, बाकी तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए तो इसके बाद हम लोग का ये हो जाएगा 7 बाई 6 को पुट अप करते हैं तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 बाई 3 प्लस 1, राइट, कॉमा यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 7 बाई 2 प्लस 2, कॉमा यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा आपका फिर 4 से कट कर दीजिएगा, ठीक है, तो 14 बाई 3 कर देंगे, 14 बाई 3 माइनस 3, तो आप एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 बाई 3 आ रहा है पहला वाला, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, तो माइनस 3 बाई 2 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 3 3 जा 9, तो आपका 5 बाई 3 आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग ऑप्शन मैच कर रहा है, 10 बाई 3
-3/2 एंड 5/3, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से कभी कभार इस तरह का हो जाता है, तो थोड़ा आपको केयर रखना है, ठीक है। बट ओवरऑल एक इजी और सिंपल क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या रहा हमारे पास में। नेक्स्ट की टॉपिक आ रहा है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का, ठीक है। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसके पहले हम लोग देखो दो लाइन के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच का एंगल, ये सब डिस्कस कर चुके हैं और काफी सिंपल है, आपको याद रहेगा जो दो लाइन के बीच का एंगल होता है वही दो प्लेन के बीच का भी एंगल होता है, ये हम लोग देखे थे, ठीक है। बट जब आप लाइन और प्लेन की बात करते हैं एक साथ, कि आपको लाइन, एक लाइन लेना है एक प्लेन लेना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो हल्का सा सिमेट्री में फर्क आएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हम लोग दो प्लेन की बात, जैसे दो लाइन की बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो दो लाइन में तो सिंपल है क्या कि अगर बीच का एंगल थीटा है तो वो थीटा है, ठीक है। और इस केस में जो हम लोगों को कॉस थीटा मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है जी, ये मिलता है। जहाँ L M N क्या है, दोनों L1 M1 N1 एक लाइन का और L2 M2 N2 दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये DCS के टर्म में हो गया, ठीक है। अगर हम लोग DRS के टर्म में निकालें, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में निकालें, तो वो क्या होता है, तो वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर एंड A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, आपको रटा गया होगा, ठीक है। ये होता है दो लाइन के बीच में। अब देखो जहां हम लोग दो प्लेन के बीच बात करते हैं, मान लो एक प्लेन मेरा ये है, ठीक है, एक प्लेन मैं ये ले लेता हूँ और यहीं पे मैं एक और प्लेन ले लेता हूँ, सपोज करो मान लेता हूँ मैं एक और प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह का ये, ठीक है जी, एक ये प्लेन हो गया, इस तरह का प्लेन, ठीक है। तो इन दोनों प्लेन को अच्छे से देखिएगा, एक प्लेन आपका ये है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक प्लेन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये एक प्लेन हो गया। और जो दूसरा प्लेन है यहाँ पे वो आपका ये वाला प्लेन है, ये वाला, ये पूरा दूसरा प्लेन है, ठीक है ना, ये दो प्लेन हो गया। अब देखो अब यहाँ पे इन दोनों प्लेन को अगर आप देखोगे अच्छे से ना, तो आपको जैसे मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, सपोज करो क्योंकि प्लेन के बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों प्लेन के बीच में क्या एंगल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है वो मान लीजिए आपका क्या है, वो है आपका थीटा, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों का जो नॉर्मल हम लेंगे, तो नॉर्मल जैसे इसका नॉर्मल मान लीजिए इधर ऐसा चला गया, ठीक है, इसका नॉर्मल हो गया और इसका नॉर्मल जो है मान लीजिए आपका ये उस इस तरीके से है ये, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल क्या होगा, डेफिनेटली थीटा होगा। तो यानी जब हम दो प्लेन के बीच का एंगल निकालते हैं, तो एक्चुअली हमको वनली दोनों के नॉर्मल, दोनों के किसी भी दो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना पड़ता है। और चूंकि दोनों का जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, एक अगेन एक लाइन ही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये सिंपली दो लाइन के बीच का एंगल जैसा होता है। और दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो आपको फॉर्मूला सेम रह जाएगा। यही वजह है कि दो प्लेन के बीच या दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा एक जैसा आता है, ठीक है। अब दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं जैसा पढ़े थे कि परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, थीटा 90 होगा तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। जहाँ A1 B1 C1 ये एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और A2 B2 C2 ये दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। इसी तरीके से अगर A1 B1 C1 एक नॉर्मल का होता है डायरेक्शन रेशियो, जैसे मान लो इसका A1 B1 C1 है इस नॉर्मल का, ठीक है, और इसके नॉर्मल का अगर मान लो A2 B2 C2 है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आती है, एंगल वही बनेगा कॉस के टर्म में और परपेंडिकुलर के केस में वही चीज़ होगा। तो मतलब दोनों में सेम चलता है। इसी तरीके से अगर पैरेलल का कंडीशन है तो क्या होता है, तो वहाँ पे A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 क्या होता है, बराबर होता है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है या दो प्लेन आपस में पैरेलल है, तो आपको दिखता भी होगा कि अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल 90 हो जाएगा तो ये भी एंगल आपका 90 हो जाएगा, जैसा कि दिख भी रहा है पिक्चर में, थोड़ा मैंने 90 के करीब का एंगल लिया है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, लेकिन जब आप एक लाइन और प्लेन की बात करते हैं, तो वहां पे देखो फिगर आपका चेंज हो जाता है। अब प्लेन आपका ये है, ये मैंने आपको प्लेन दिखा दिया है, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन, दिस इज द प्लेन। तो अब इस प्लेन से मान लो कोई आपने एक लाइन ले लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये एक लाइन लिया हुआ है, ये वाला, ये दिस इज, ये एक लाइन है, ठीक है, जो इसको भेद करके निकल रहा है, इंटरसेक्ट करके निकल रहा है। तो अब ये जो लाइन है, अगर ये थीटा एंगल बनाता है, ध्यान दीजिएगा, प्लेन के साथ में, चूंकि प्लेन और लाइन के बीच का एंगल तो यही होगा, ठीक है। तो अब चूंकि प्लेन का कुछ भी मेजरमेंट हम इसके नॉर्मल से करते हैं, तो अब प्लेन पर जो नॉर्मल है
आप देखोगे तो नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है जी। तो नॉर्मल का एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यानी अब अगर हम लाइन और नॉर्मल के बीच की बात करेंगे, क्योंकि हम दो लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं इजिली, चाहे वो दो लाइन हो या दो नॉर्मल हो, दो लाइन होना चाहिए। बट यहाँ पे भी क्या है, एक नॉर्मल है और एक लाइन है। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा आ गया। तो नॉर्मल भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो दो लाइन के बीच का यहाँ पे एंगल कैसे डिफाइन होगा, यही चीज डिफाइन होगा, बट थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और जैसे ही ये कॉस 90 माइनस थीटा होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है जी, ये हो जाता है आपका साइन थीटा। तो अब इस केस में ये कॉस थीटा ना रह करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो बस लाइन और प्लेन के केस में ये बात आपको ध्यान देना है कि जो फॉर्मूला आपको मिलता था ना, वो अब आपको साइन थीटा के टर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन थीटा के टर्म में मिलेगा, ठीक है। और चूंकि ये 90 माइनस से ये चेंज हो रहा है, तो अब जो कंडीशन है परपेंडिकुलर का, अगर परपेंडिकुलर होता है क्या, अगर लाइन आपका परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या होता है, तो थीटा 90 होता है, ठीक है। उस केस में साइन 90 अब आपका 1 होगा, ध्यान दीजिएगा ना। तो अब ऊपर वाला 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बल्कि अगर हम लोग इसको सिंपल देखें, तो अगर लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो ये मेरा है प्लेन, ठीक है, ये मेरा प्लेन है और इस पर कोई लाइन है, ये लाइन है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। तो भैया अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो सिंपली क्या है, तो सिंपली जो ये लाइन है ना, वो एक्चुअली प्लेन के किसी भी नॉर्मल का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन के किसी भी नॉर्मल के पैरेलल होगा, क्योंकि नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो सिंपली इसमें हम लोग पैरेललसी वाला केस लगा देंगे जो हम लाइन में लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेललसी वाला केस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ठीक है। तो उल्टा याद रखना है, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो ये होता है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो ये होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का है, ये पैरेलल का है, दो लाइन के बीच में, मतलब आपको मैं लॉजिक से बता रहा हूँ, सेम टू सेम, ठीक है, सिमिलर केस याद रखिएगा। सिमिलर का मतलब क्या मैं ले रहा हूँ, सिमिलर का मतलब मैं ले रहा हूँ कि आप चाहे दो लाइन ले लो, दो लाइन तो दोनों लाइन ही है तो सिमिलर चीज है, या दो प्लेन ले लो, तो ज्योमेट्री में दोनों सेम चीज है, दो प्लेन लो या दो लाइन लो, ठीक है। तो उस केस में परपेंडिकुलर में ये होगा, पैरेलल में ये होगा। लेकिन जैसे ही आप दो अलग अलग चीजें लेते हो, ठीक है, दो डिससिमिलर चीज लेते हो, ठीक है, तो डिससिमिलर जैसे ही आप लोगे, डिससिमिलर यानी आप एक लाइन ले रहे हो और एक आप प्लेन ले रहे हो, तो लाइन और प्लेन दो अलग अलग चीजें जहां आप लोगे, तो यहां पे आपको थोड़ा उल्टा लेना है। जब परपेंडिकुलर की बात आएगी तो यहां पे हमको लेना है जो उस टाइम पैरेलल होता था, ठीक है। और जब पैरेलल की बात आएगी, जब पैरेलल की बात आएगी तो पैरेलल वाले केस में क्या होगा, आपका थीटा जीरो हो जाएगा, यानी आपका साइन थीटा जीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू आपका जीरो होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, थोड़ा सा उल्टा याद रखना है, क्योंकि बहुत फेमस है ये परपेंडिकुलर का कंडीशन, बट कब, जब दो लाइन की बात हो या दो प्लेन की बात हो। तो सिमिलर वाले केस में, मतलब दो सिमिलर ज्योमेट्री आप लेंगे, दो लाइन लेंगे या दो प्लेन लेंगे, तो परपेंडिकुलर में ये होता था। बट अब अगर आप एक लाइन एक प्लेन ले रहे हो, डिससिमिलर वाली चीज ले रहे हो, लाइन ले रहे हो, एक आप लाइन ले रहे हो, ठीक है, और एक आप प्लेन ले रहे हो, लाइन एंड प्लेन, तो लाइन और प्लेन के केस में क्या होगा, ये आपको मिलेगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से याद करेगा, लाइन पैरेलल टू प्लेन, ठीक है जी। यहाँ पे लाइन पैरेलल टू प्लेन है, यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो याद रखिएगा, सिंपल सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ज्यादा देखो रटाना मेरा पर्पस नहीं है, ठीक है। लॉजिक से जितना याद रखेंगे उतना इजी रहेगा। तो आप जो मेनली याद रखते हैं, जो आपका मदर फॉर्मूला है वो ये है कि कॉस जो एंगल होता है दो लाइन के बीच में वो ये होता है, ठीक है, या दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो ये होता है, वो सिंपली किस में होता है, कॉस के टर्म में होता है, ठीक है। ये चीज किस में होता है, आपका कॉस के टर्म में होता है, कॉस थीटा के टर्म में। और दो लाइन या दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये चीज जीरो होगा, ठीक है। दो लाइन या दो प्लेन अगर पैरेलल होगा तो ये आपका जो डायरेक्शन रेशियो है उसका प्रोपोर्शन इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही आप एक लाइन और एक प्लेन की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, हमारा एंगल 90 से चेंज कर जाता है, और 90 से जैसे ही कॉस को चेंज करेंगे तो हमको साइन थीटा में फॉर्मूला मिलेगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। और इस केस में अगर लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो एक्चुअली नॉर्मल और लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल का कंडीशन लेंगे। और लाइन और प्लेन अगर पैरेलल हो जाता है, अगर आपका लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाता है तो डेफिनेटली क्या है, जो लाइन पर जो प्लेन पे जो नॉर्मल है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री वाला कंडीशन लेंगे,
क्लियर है जी। तो एक्चुअली देखो, प्लेन का जो भी एंगल या ओरिएंटेशन है वो उसके नॉर्मल से लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आप समझ जाओगे, कभी आप कंफ्यूज भी करते हो तो आप खींच के देख लेना कि भैया प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल है, तो जैसे ही नॉर्मल डालेंगे प्लेन पे तो वो क्या होगा, वो लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक्चुअली जो पैरेलल वाला केस है वो पुराना वाला परपेंडिकुलर का केस लिया जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली जो परपेंडिकुलर का केस है वो पुराना वाला पैरेलल कर लिया जाएगा, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। तो यहाँ पे सारी बातें सब लिखी हुई है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक नोट है, क्या नोट है जी, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन दिस, ठीक है, देन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई लाइन है जो किसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो लाई करेगा तो क्या होगा, तो डेफिनेटली ये होगा कि पहले तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मान लो कि ये मेरा पूरा प्लेन है, ठीक है, ये मेरा पूरा प्लेन है और इस पे कोई लाइन है, एक अनदर लाइन, ठीक है ना। तो अगर ये लाइन x1 y1 z1 से पास करता है, जैसा कि दिख रहा है x1 y1 z1 से लाइन पास कर रहा है, और दूसरा है कि लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, वो है आपका a1 b1 और c1। यहाँ पे दो बातें होंगी, क्या, एक तो प्लेन भी इससे पास करेगा, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा आपका अगर प्लेन है, ठीक है, और प्लेन जो है अगर लाइन को कॉन्टेन करता है तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसे प्लेन भी पास करेगा। तो पहले तो आपको ये चीज मिल जाएगा, यानी जो पॉइंट x1 y1 z1 है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जब आप कोई भी नॉर्मल लोगे अगर प्लेन पे, कोई भी नॉर्मल, तो वो क्या होगा, वो लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी अगर मान लो मेरा नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है, जैसे प्लेन आपको दिख रहा है यहाँ पे a2 b2 c2 ना, तो इसका हो जाएगा क्या, a2 b2 और c2, ये जो a2 b2 c2 है ये इसके साथ परपेंडिकुलर का केस बना रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का केस में ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। दो चीजें आपको मिलेंगी, एक कि प्लेन आपको उस पॉइंट से पास करेगा जिससे लाइन पास करता है, और दूसरा ये है कि आपको ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये देखो पहले ही वाली बात है, ठीक है, मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया, ये सब अब नया कुछ चीज़ नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जितना आप एनालिटिकली सोचेंगे ना, जितना आप प्लेन को उसके ओरिएंटेशन से समझेंगे, प्लेन पर नॉर्मल डाल करके आप समझेंगे, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। और ऐसा आपने 12th में किया होगा, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा बात करेंगे तो आपको फिर दिक्कत लगेगा, बोलेगा बहुत छोटी बात है आप बार बार इसी को समझा रहे हैं। चलो अब देख लो, क्विकली क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 46 नंबर है, बोलता है द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस, ठीक है, आपको बताना है कि इस लाइन और इस प्लेन के बीच में क्या एंगल होगा। तो कुछ करना नहीं है, लाइन का आप देख लो डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3 और 6 है। प्लेन का क्या हो जाएगा, प्लेन के किसी भी नॉर्मल का हो जाएगा 10, 2 और -11, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे चूंकि एक लाइन है और एक प्लेन है, तो फॉर्मूला आपको मिलेगा साइन थीटा में, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर, यहाँ पे ए वन वाला का सम होता है और इधर आपका A2 वाला का सम होता है, ठीक है ना। तो सिंपल चीज़ है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं देखो तो ये मेरा A1 है, ये मेरा B1 है, ये मेरा C1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा B2 है, ये मेरा C2 है। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आपका आ जाएगा A1 A2, यानी 2 × 10 = 20 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 6 × −11 − 66, राइट, डिवाइडेड बाई, अब A1 वाले का सब ले लीजिए, तो यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है, इसका लोगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, राइट। अब देखो ऊपर में क्या आ जा रहा है, तो ऊपर में आ रहा है आपका 26 और 66, तो -40 आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा ओ सॉरी, हाँ ठीक, तो 26 ठीक, -40। अच्छा नीचे में क्या आ रहा है, ये साइन थीटा है हमारा, नीचे में हमारा आ जा रहा है, ये हमारा हो गया 36 और यहाँ पर आपका 13, तो ये आपका 49 हो जा रहा है, रूट अंडर यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 104 और 121, तो ये आपका 225 आ जा रहा है, ठीक है। अभी देखो ये जो एंगल लेते हैं ना, वो जो हम लोग लेते हैं मॉड में, ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऊपर में 40 है, नीचे में 7 और यहाँ पे आपका 15। अभी हम लोग कट कर सकते हैं 5 8 जा और 5 3 जा, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो 8/21 आ रहा है साइन थीटा के इसमें, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/21। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि लाइन और प्लेन है तो वो साइन में निकालिएगा, और अगर यहाँ पे दोनों लाइन होता तो कॉस में निकलता, या दोनों प्लेन रहता तब भी कॉस में निकलता, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, 47 नंबर को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है भाई। इस तरह का क्वेश्चन इजी है, सिंपली आपसे बनेगा, और बनना ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। चलो फिर देखो 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोलता है गिवन लाइन, लाइन गिवन है हमको, ठीक है, ये लाइन है और यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है जिसको पाई से डिनोट किया गया है, ये प्लेन है आपका, ठीक है, ये दिस इज द प्लेन, राइट। ऑफ द फॉलोइंग एजर्सन द वनली वन दैट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू की बात की गई है, कौन सा होगा। पहले बोलता है कि जो लाइन है एल आपका वो परपेंडिकुलर है प्लेन पे, तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। लाइन और प्लेन आपस में कब परपेंडिकुलर होगा, तो याद रखिएगा एक लाइन की बात की गई है, एक प्लेन की बात की गई है, ठीक है। तो जो कंडीशन यहाँ पे लगेगा ना, वो लगेगा उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब क्या, उल्टा अगर हम बात करते हैं यानी कि यहाँ पे पैरेलल वाला लगेगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो लाइन के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल वाले में क्या होता है, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे वन है, तो थ्री बाई वन पहला ये आ रहा है, यहाँ पे टू बाई माइनस टू, टू बाई माइनस टू और सी आप यहाँ पे माइनस वन बाई माइनस वन, तो कहाँ भाई बराबर तो नहीं आ रहा, ये आपका वन वन हो जा रहा है, ये आपका थ्री थ्री बराबर नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन को हिट नहीं कर रहा, ये गलत हो गया। एल लाइज इन द प्लेन, मतलब कि लाइन जो है वो प्लेन पे है, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, वन माइनस वन थ्री, वन माइनस वन थ्री, ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देख लेते हैं सेटिस्फाई करा के, तो एक्स के प्लेस पे वन, y के प्लस पे माइनस वन तो प्लस टू, और z के प्लस पे थ्री तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही करेक्ट है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो अभी सही है, बट ऑलवेज ट्रू की बात की गई है, तो आगे भी बढ़ लेते हैं। l इज पैरेलल टू प्लेन, l क्या बोलता है, प्लेन के पैरेलल है, तो l अगर पैरेलल होगा तो वो क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर लाइन पैरेलल हो गया प्लेन का, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कंडीशन लगाएंगे, यानी परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जो है वो लाइन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि क्या ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, क्या ये वाला करेक्ट होता है, ठीक है, देख लीजिए करके। यहाँ पे देखोगे तो थ्री है और यहाँ पे माइनस थ्री है, यहाँ पे वन है, तो थ्री इंटू वन थ्री, माइनस टू इंटू माइनस टू, तो माइनस फोर हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, ठीक है, और माइनस वन इंटू माइनस वन तो प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो आ रहा है, ओके। तो L इज पैरेलल टू प्लेन, राइट, तो लाइन जो है हमारा वो एक मिनट, लाइन जो है वो पैरेलल टू प्लेन, अच्छा एक बात देखिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का हम लोग केस लगाया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, दो चीज़ें होती हैं, देखिए लाइन हमारा पैरेलल है तो ये चीज़ तो होगा, ठीक है, ओके, लेकिन चूंकि पॉइंट सेटिस्फाई भी कर रहा, तो ध्यान ये देना है हमको कि प्लेन पर जो भी लाइन है, प्लेन पर जो भी लाइन है, तो चूंकि नॉर्मल जो है प्लेन का वो लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी, तो और अगर हम कोई पैरेलल लाइन लेते हैं तो उस पर भी परपेंडिकुलर ही आएगा, बात ध्यान दीजिएगा ना, ओके। तो यानी पैरेलल जो जो लाइन प्लेन के पैरेलल है, जो लाइन प्लेन के पैरेलल है, उसमें दो बातें आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर उस लाइन के पॉइंट को वो सेटिस्फाई करता है, यानी प्लेन अगर जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब वो लाइन अब पैरेलल सिर्फ नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि कॉन्साइड कर रहा है, प्लेन पर कॉन्साइड कर रहा है, प्लेन में कॉन्टेन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल होना जो है जनरल चीज़ है, और इसका जो पार्टिकुलर केस है वो ये है कि एक तो देखिए, एक तो आपका होता है कि प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, अच्छा, जबकि यही चीज़ हो सकता है कि वो सिर्फ पैरेलल ना हो बल्कि क्या हो, बल्कि प्लेन पर ही हो, तो इन दोनों केस में नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो है ज़्यादा परफेक्शन के साथ ये स्टेटमेंट बनेगा कि लाइन क्या कर रहा है, प्लेन में कॉन्टेन कर रहा है, इसलिए कि जो प्लेन में कॉन्टेन करता है तो वो भी कहीं ना कहीं प्लेन के पैरेलल ही है, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे देखो जो कोइंसिडेंट लाइन है, जो लाइन आपस में कंकरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरेलल भी होते हैं, लेकिन कंकरेंट होना एक स्पेशल चीज़ है और पैरेलल होना थोड़ा जनरल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन चूंकि लाइन के पॉइंट को प्लेन सेटिस्फाई करता है तो लाइन प्लेन पे लाई कर रहा है, ये ज़्यादा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग बी को करेक्ट लेंगे, जो कि हमेशा करेक्ट है, चूंकि लाइन प्लेन पे है तो डेफिनेटली
कोई भी नॉर्मल प्लेन का वो लाइन के साथ में 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, यानी आपका जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल भी कहा जाएगा, बट चूंकि कॉन्टेंट कर रहा है तो ये ज्यादा स्पेशल केस है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा और ये लेक्चर आपको फ्रूटफुल लगा होगा। इसके बाद ही बहुत सारे क्वेश्चन उसको हम लोग करने वाले हैं, तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ते जाइए। डेफिनेटली आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट है चैनल में फ्री में जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। कोर्सेज मेरे अवेलेबल हैं मेरे एप्लीकेशन पर, तो चाहो तो आप मेरा एप्लीकेशन विजिट कर सकते हो, MSC लर्न ऑनेस्टी, काफ़ी जीनियन प्राइस में वहाँ पे आपको PDF प्रैक्टिस सेट मेरे से डाउट पूछ पाओगे, काफ़ी मजा आएगा, बहुत अच्छा फीडबैक है, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।